अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम यू टू योर चैनल मॉम्स कुकिंग सीक्रेट एंड व्लॉग्स। तो आज की हमारी ज़बरदस्त रेसिपी है कद्दू गोश्त की, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही अमेजिंग बनके तैयार हुआ है और बहुत ही ज़्यादा जायके में लाजवाब। जो लोग कद्दू शौक़ से नहीं भी खाते, वो भी इसे इतने ही ज़्यादा शौक़ से खाना पसंद करेंगे कि हर दूसरे दिन घर में कद्दू गोश्त की फरमाइश की जाएगी। तो अगर आप भी बिल्कुल ऐसा मज़ेदार कद्दू गोश्त बनाना चाहते हैं तो हमारी रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सो लेट्स गो टू आवर रेसिपी। चलिए चलते हैं अपनी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ। तो कद्दू को जो है हमने काट लिया, कद्दू का हमने छिलका नहीं उतारा, क्योंकि जो है जो हरा कद्दू होता है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ये देखिए आप लोग, वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है सॉफ्ट होता है, अच्छा होता है। तो इसका छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं होगी, इसका छिलका भी नरम ही होता है और ये भी साथ में गल ही जाता है। तो जो कि हम कद्दू गोश्त बना रहे हैं, तो हमने साथ में जो है गोश्त लिया है बीफ, और इसको जो है हमने बॉयल कर लिया था, मतलब गला हुआ गोश्त, और इसको हमने फ्रीज किया हुआ था। तो इसको हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट ये रेडी ही है गोश्त हमारा, बस हमें इसको डालना होगा। तो चलिए चलते हैं अपनी आगे की रेसिपी की तरफ। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम जो इसमें लहसुन डाल देंगे, साथ ही जीरा डाल देंगे, जीरा और लहसुन का जो है हमने बस हल्का सा जो है कच्चापन ख़त्म करना है। अब हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे और साथ ही कद्दू, और गाइस हरी मिर्चों को जो है ना आप लोगों ने बीच में से कट लगा लेना है, वरना हरी मिर्चें जो है वो छल के इधर उधर भी हो सकती हैं और किसी के ऊपर भी मतलब लग सकती हैं। तो इस तरह से बेहतर होगा कि आप हरी मिर्चों को बीच में से कट लगा लें, ताकि वो घी में से उछल लेना। और गाइस कद्दू की जो है ना हमने ऑयल में ही थोड़ी सी भुनाई करनी है। और गाइस कद्दू का जो है हमने पानी बिल्कुल जो निकलता है कद्दू का, सब्ज़ी का जैसे हर सब्ज़ी का उसमें पानी निकलता है, तो कद्दू का जो है हमें सारा पानी सुखाना है और उसको ऑयल में अच्छी तरह से भूनना है हमने, जब तक कि इसका पानी नहीं सूख जाता। इससे जो है ना इसका जायका जो है काफ़ी डेवलप होगा। और जिस तरह से जो है हम फ्रेंच फ्राइज को फ्राई करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो है हमने कद्दू को ऑयल में फ्राई करना है। तो गाइस कद्दू हमारा अच्छी तरह से जो है फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें हल्दी डाल दी है। आपको मेरे छोटे भाई के पीछे से रोने की आवाज़ आ रही होगी, जैसे वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो बहुत तंग करने लगा है कि मैं सब खेलो और ये वो, तो अकेले बैठने की आदत नहीं है उससे, लेकिन हमें रेसिपी के लिए इतना तो करना पड़ता है। तो आप लोगों का भी काम करता है कि आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहा करे। तो हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, जिसका छिलका हम लोगों ने उतार लिया है, और अब मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रीडियंट्स को अच्छी तरह से आपस में। तो गाइस अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे, और गाइस ये फ्रीज गोश्त हमने ये यखनी के साथ ही इसमें ऐड कर दिया है। तो गाइस अब हम इसे ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे, और फ्लेम जो है आपने बिल्कुल लो रखनी है। तो गाइस ये डन हो चुका है, अभी हमने इसका ढक्कन हटाया है, तकरीबन 15 मिनट बाद जो है हमने ढक्कन हटाया और ये जो है डन हो चुका है बिल्कुल। और कद्दू को जो है ना हम इसके अंदर चम्मच से जो है अच्छी तरह से मैश कर देंगे। तो हमारी जो है ऑलमोस्ट कद्दू गोश्त डन हो चुका है। अब हम एंड में जो है नींबू निचोड़ देंगे इसमें। तो गाइस कद्दू जो है अच्छी तरह से मैश हो चुका है इसके अंदर, अब जो है हम इसे डिशअप कर लेंगे।
गाइस ये रेसिपी आप लोग एक दफ़ा अपने घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और जो लोग कद्दू शौक से नहीं भी खाते वो भी जो है इसे बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। तो आप इसे डिश आउट कर लेंगे। तो गाइस ये बहुत मज़ेदार हमारा कद्दू गोश्त बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।